वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 2.6 एक्सप्लेन करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंडेक्स का है और रेडिकेंड का है, उनकी सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग। इंडेक्स और रेडिकेंड की पहचान करनी है और ये लिखा हुआ है कि हियर द लेटर्स फॉर वेयर एवर दीज अकर आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मेन क्वेश्चन में अगर लेटर्स आएंगे, अल्फाबेट आएंगे, तो वो रियल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 35 है स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट कौन सा है, फोर्थ रूट है, ये इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है इसके, तो हम कहेंगे इसका रेडिकेंड है 35। जो रूट के अंदर वैल्यू होती है रेडिकेंड होता है, और जो रूट के बराबर में वैल्यू लिखी हुई होती है उसके इंडेक्स में वो 4 है, वो इंडेक्स होती है, उसका ऑर्डर भी कहलाता है, वो फोर्थ ऑर्डर है। इसी तरह ये क्वेश्चन है और इसमें इंडेक्स क्या होगा, रेडिकेंड होगा x y z t और रेडिकेंड होगा 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आप लोग खुद ट्राई करें इनको, इंडेक्स और रेडिकेंड सेपरेट करना है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रही है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंडाइसेस आर नेचुरल नंबर। इंडाइसेस इंडेक्स की प्लूरल है, इंडेक्स सिंगुलर है और इंडाइसेस प्लूरल है, तो इंडेक्सेस जो है वो नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है क्यूब रूट ऑफ 27। एलसीएम लिया 27 का, 3 × 3 × 3 क्यूब रूट है, अच्छा इसके अंदर पेयर कितने बनेंगे, 3 वैल्यूज़ का पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है, इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है, 3 का पेयर बना और पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलसीएम लेंगे 625 का, 5 × 5 × 5 4 टाइम हवा है और इसके 4 का पेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में 4 है इसलिए इसके 4 वैल्यूज़ का पेयर बना, रूट कैंसिल हो गया, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इसको हम पेयर वाले ट्रिक से नहीं करेंगे बल्कि पावर वाले ट्रिक से करेंगे, कैसे, देखिए जो इंडेक्स में वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है लेकिन रेसिप्रोकल होकर, 1/8, ठीक है, ये पावर वाला मेथड है किसी भी रेडिकेंट को एक्सपेरिमेंट के तरीके से सॉल्व करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/8 दोनों वैल्यूज पे आ जाएगा, ए पे भी आ गया, बी पे भी आ गया, कैंसिलेशन होगी 8 की, तो ए और बी सिंगल रह गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी पावर के मेथड से जो है ना वो सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट है, इंडेक्स में कोई नंबर ना हो तो वहाँ 2 होता है, इसलिए पावर में आया 1/2, स्क्वायर पहले से था इसका, पावर मल्टीप्लाई हुई, कैंसिलेशन हुई, 517 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी पावर वाले मेथड से ही होगा, बिल्कुल सिंपल है, रेडिकल की साइन हटी, 1/P लगा, पी पावर पहले से ही थी तो पी कैंसिल हो गया, एम एन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसको एलसीएम फैक्टर वाले तरीके से करेंगे, 81 का आया 4 × 3 और 125 का आया 5 × 5 पेयर बनेगा इसका 3 का, क्योंकि इंडेक्स पे 3 है, एक 3 रह जाएगा, ठीक है, जो पेयर बनेंगे वो बाहर आ गए, जो पेयर नहीं बना वो अंदर ही रहेगी क्यूब रूट के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 12, रेडिकल साइन उड़ाई, 1/(n)/(q) लगा और फिर पावर माइनस हो गई, पावर में एलसीएम लेने के लिए हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, पहले फ्रैक्शन को हमने ये देखें एम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और दूसरे फ्रैक्शन को एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। बिल्कुल सिंपल मेथड है, छोटी क्लासेस में बताया जाता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर सेम करते हैं और फिर इस तरह से एलसीएम आ जाता है। और यहाँ पर ये जो ट्रिक लगी है ये वाली, 1/m को सेपरेट किया है ताकि ये रेडिकल साइन में आ जाए, जो 1/ में वैल्यू होती है वो रेडिकल के इंडेक्स में आ जाती है, ये भी हमने ऊपर देखा था और यही इसका आंसर है बस। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको एलसीएम वाले पावर वाले तरीके से कर लें, 256 का एलसीएम आया, 2 × 8 पावर लगी, 1/4 पावर सबके ऊपर आ गई, कैंसिलेशन होगी, 2 की पावर 2 रही, ए की 1, बी की 1 और 2 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया, 4 हो गया और पावर 1 शो होने की इजाज़त दी, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14,
इसका वी एल सी एम लेंगे 64 का और 216 का, 64 का 4 का क्यूब, ये हमने उन्हें आसानी के लिए 4 से एल सी एम ले लिया और उसका 6 से ले लिया। इंडेक्स में थी 3, तो 1/3 पावर आई, पावर सबके ऊपर आ जाएगी, ब्रैकेट ओपन हो गया और कैंसिलेशन होगी, 4 की पावर कैंसिल हो गई, ए की पावर कैंसिल हो गई, बी की 3 रह गई, 6 की कैंसिल हो गई, सी की स्क्वायर रह गई, डी की 6 रह गई, ठीक है। यहाँ में पावर्स में कैंसिलेशन हुई है, अब ये 4 और 6 कैंसिल होगा आपस में, 2/3 रह जाएगा और यही इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज एंड हो गई 2.6, ठीक है।